students, welcome in the chemistry practical on gravimetric estimation of three component mixture of different ions that are copper, nickel and zinc ions. तो प्यारे बच्चों आपका स्वागत है इस केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में जहां पर आप देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि हम थ्री कंपोनेंट मिक्सचर यानी थ्री कंपोनेंट मिक्सचर मींस जो इनऑर्गेनिक के जो आयन्स होते हैं जैसे कॉपर आयन है निकिल आयन है जिंक आयन है दे आर प्रेजेंट इन द सेम मिक्सचर देन कैसे हम उनको ग्रेविमेट्रिकली एस्टिमेट करेंगे. तो कई बार हमें ये मेथड की ज़रूरत होती है जब हम एलॉय में देखना चाहते हैं कि कितना कॉपर है कितना निकिल है कितना जिंक है तो उस केस में हम एक स्टेप वाइज इस एस्टिमेशन को करते हैं. तो सबसे पहले जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो हम कॉपर का एस्टिमेशन करते हैं और कॉपर का एस्टिमेशन एज कॉपर थायोसाइनेट करते हैं. और जनरली जो हम एस्टिमेशन करते हैं वो कॉपर को पहले एस्टिमेट करते हैं देन हम निकिल को एस्टिमेट करेंगे. जब हम कॉपर को एस्टिमेट कर चुके होंगे तो उसको प्रेसिपिटेट आउट करके फिल्टर कर लेंगे देन वी विल प्रेसिपिटेट निकिल आयन इन द फॉर्म ऑफ निकिल डाइमिथाइल क्लोराइड. तब हम निकिल डाइमिथाइल क्लोराइड की फॉर्म में हम निकिल को एस्टिमेट करते हैं. अगर हम कॉपर को एस्टिमेशन देखें तो हम कॉपर प्लस वन की फॉर्म में इसको एस्टिमेट करते हैं और सल्फ्यूरस एसिड या बाई सल्फाइड की हेल्प से कॉपर टू प्लस को कॉपर वन प्लस में पहले रिड्यूस करते हैं एंड देन हम उस कॉपर वन को थायोसाइनाइड की हेल्प से अमोनियम थायोसाइनाइड की हेल्प से उसको प्रेसिपिटेट करते हैं. देन आप देखेंगे जो फिल्ट्रेट होगा यहाँ से जो हमें फिल्ट्रेट मिलेगा उस फिल्ट्रेट को इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाइमिथाइल क्लोराइड ऐड करके हम निकल डाइमिथाइल क्लोराइड बनाते हैं और उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं बाय वेइंग. उसको ड्राई करके उसको वे करते हैं देन आफ्टर निकल एस्टिमेशन देखिए हमने कॉपर भी एस्टिमेट कर दिया निकल भी कर दिया देन इन द filtrate we estimates the amount of zinc in that solution. हम उसमें जिंक का एस्टिमेशन करेंगे और जिंक का एस्टिमेशन करने के लिए वी यूज अमोनियम डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट रिएजेंट एंड हम देखेंगे कि जो जिंक का प्रेसिपिटेट होगा वो जिंक अमोनियम फॉस्फेट की फॉर्म में हमें ऑब्टेन होगा. तो इस ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन को हम देखेंगे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये थ्री कंपोनेंट इनऑर्गेनिक आयंस को हम एस्टिमेट कर सकते हैं. हेलो एवरीवन, आज हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जो कि ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन है. तो आज हम ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन करेंगे कॉपर का निकिल का और जिंक का सेपरेटली. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें इस प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या एपरेटसेस की नीड है. जैसे कि हमें यहाँ पर बीकर चाहिए होंगे दो कंप्लीट 500 ml के, एक आरबी चाहिए होगा और ये एक मेजरिंग सिलेंडर, कुछ टेस्ट ट्यूब्स, वाटर बाथ, वायर गॉज, ट्राइपॉड स्टैंड, बर्नर एंड फॉर लाइटनिंग द बर्नर हमें ये चाहिए होगा लाइटर. अब उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट एपरेटस ये है, ये हमारा डेसिकेटर होता है जो कि हमें लैब से प्रोवाइड होता है और इस डेसिकेटर के अंदर एक ये क्रूसिबल होती है. इस क्रूसिबल में सबसे पहले हमें इस क्रूसिबल को सबसे पहले हमें वॉश करना होता है. वॉश करने के बाद इसका वेट कांस्टेंट करना होता है, पहले ड्राई करना होता है ओवन में देन वी हैव टू कांस्टेंट इट्स वेट. थ्री टाइम्स या टू टाइम्स में इसका वेट कांस्टेंट आ जाता है और क्रूसिबल को हम अलोनली ऐसे नहीं रख सकते, हमें इस डेसिकेटर के अंदर ही रखना होता है जिससे कि इसको कोई भी मॉइस्चराइज और वगैरह जो भी इसके मतलब इसके टेम्परेचर को कोई भी अफेक्ट ना करे, इसलिए इसका एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है इस डेसिकेटर के अंदर. तो हम अपना प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं. सबसे पहले हमें ये 50 ml एक सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें कॉपर, निकिल और जिंक तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं. तो सबसे पहले इसे हम पोर करेंगे एक 500 ml के बीकर में. पोर करने के बाद इसमें हमने 1 ml मेजर कर रखा है डाइल्यूट HCl, ये डाल देंगे. उसके बाद थोड़ा सा इसे इस तरीके से कंप्लीटली शेक करेंगे
और अब इसमें हमें कम से कम 25 से 30 ml Na2SO3 सॉल्यूशन मिक्स करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसमें Na2SO3 सॉल्यूशन डाला, इसका कलर चेंज हो गया कुछ येलोइश टाइप का। अब इसे थोड़ा सा इस तरीके से हिलाएंगे। किसी भी चीज को ऐड करने के बाद हमें मेक श्योर ये होना चाहिए कि जो चीज हमने इसमें मिलाई है वो इसमें कम्प्लीटली सॉल्यूबल है या नहीं। तो जब तक वो कम्प्लीटली सॉल्यूबल नहीं होती, हमें तब तक उसमें नेक्स्ट रिएजेंट का एडिशन नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैं कम्प्लीटली यहां पर देख पा रहा हूं कि इसका मेरे Na2SO3 सॉल्यूशन डालने के बाद इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे इसे मेकअप करना है कम्प्लीटली 150 ml तक बाय डिस्टिल्ड वाटर। जैसा कि वहां पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये डिस्टिल वाटर से 150 ml तक मेकअप हो चुका है। सॉल्यूशन को हम वाटर बाथ पे रख देंगे कुछ देर, जब तक कि ये कम्प्लीटली बॉइल ना हो जाए। अब जैसे कि ये कम्प्लीटली बॉइल हो चुका है सॉल्यूशन, तो इसे हम निकाल के रख देंगे। अब जैसे कि कम्प्लीटली हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ PPT नीचे बैठ गई है और ऊपर मदर लिक्विड आ गया है। तो अब इस समय हम इस पर NH4SCN अमोनियम थायोसाइनेट डालेंगे वॉल से टच करते हुए बीकर की, और जो कंप्लीट PPT बचा हुआ था वो इसमें और बनके नीचे बैठना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अब अमोनियम थायोसाइनेट डालने के बाद जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि अब इसको हमें कुछ देर के लिए 2 से 3 घंटे या फिर प्रीफरेबली हम इसको 1 रात के लिए पूरा कम्प्लीटली रख सकते हैं। और इसमें जो ऊपर का मदर लिक्विड होगा ये कम्प्लीटली ऊपर सेपरेट हो जाएगा और नीचे इसमें पूरी ऐसे राउंड बॉटम में ऐसे करके इसमें वाइट कलर की PPT आ जाएगी। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने इसको रखने के बाद इसमें जो ये PPT है, वाइट PPT नीचे सेपरेट हो चुका है और ऊपर क्लियर मदर लिक्विड आ चुका है हमारा, ये इस तरीके से ये कम्प्लीटली PPT नीचे सेटल डाउन हो चुका है और ऊपर मदर लिक्विड है। अब हम इसे क्लीन ग्लास सेंटर्ड क्रूसिबल से फिल्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। अब मैंने इसके ऊपर एक ग्लास क्रूसिबल जो है इसको फिट कर दिया है। ये हमारा वैक्यूम फ्लास्क है। इस क्रूसिबल को यहाँ पर इस तरीके से फिट करेंगे और इस वैक्यूम फ्लास्क का जो पाइप होगा वो इस वैक्यूम पंप से कनेक्टेड होगा, जिसकी हेल्प से हमारा ये जो सॉल्यूशन है ये फिल्टर होगा। अब धीरे धीरे बिना सॉल्यूशन को हिलाए हुए पहले हमें इसमें मदर लिक्विड को फिल्टर करना होता है। इस तरीके से ये क्लियर PPT की फॉर्म में सेपरेट हो चुका है, साइड से भी क्लियर हमें दिख रहा है यहां पर। इस तरीके से धीरे धीरे हमें इस मदर लिक्विड को पोर करना है। और ड्रॉप बाय ड्रॉप ये धीरे धीरे इसमें फिल्टर होता जाएगा हमारे वैक्यूम फ्लास्क में। अब ये कंप्लीट मदर लिक्विड हमारा इसमें छन चुका है। अब जो लास्ट का PPT है उसे थोड़ा सा इस तरीके से हिला के हम इसमें फिल्टर के लिए डालेंगे क्रूसिबल में। जब तक कि हमारा वो फिल्टर हो रहा है, इसके बाद हमें क्या करना है, जब वो कम्प्लीटली हमारा सॉल्यूशन फिल्टर हो जाएगा फिर हमें उसमें वॉशिंग करनी है। तो सबसे पहले एक सॉल्यूशन बनाना है हमें वॉशिंग के लिए।
100 ml डिस्टिल वाटर में हमें 1 ml अमोनियम थायोसाइनेट डालना है और 5 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन की मिक्स करके एक एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनाना है। अब इस सॉल्यूशन से हम उसकी वॉशिंग करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास फिर इथेनॉल है। पहले हम जो ये प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है इससे वॉशिंग करेंगे, उसके बाद ये इथेनॉल से वॉशिंग करेंगे और फिर कम्प्लीटली तब हमें क्रूसिबल में कॉपर थायोसाइनेट मिलेगा। ये हम वॉशिंग कर रहे हैं इसकी कंप्लीट और ये धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप वॉश होके नीचे आ रहा है फिल्ट्रेट। ये हमने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड कर रखा है उससे वॉशिंग कर रहे हैं अभी हम इसकी। ये कंप्लीट सॉल्यूशन से हमें वॉशिंग करनी है, उसके बाद हमें इथेनॉल से वॉशिंग करनी है इसकी। वॉशिंग के बाद अब हम इसे फाइनली इथेनॉल से वॉश करेंगे। इसकी वॉल से भी थोड़ा सा जो पोर्शन है बहुत केयरफुली से हम हटाएंगे। अब ये जैसा कि हम देख सकते हैं क्रूसिबल के अंदर हमारे ये कॉपर थायोसाइनेट का प्रेसिपिटेट कम्प्लीटली फिल्टर होके वॉश होके आ चुका है। अब हमें इस क्रूसिबल को अवन में 110 डिग्री सेल्सियस से लेके 120 डिग्री सेल्सियस के बीच में इस कॉपर थायोसाइनेट के प्रेसिपिटेट को ड्राई करना है और फिर हम इसका फाइनल वेट लेंगे और हमारा ये कॉपर थायोसाइनेट एस्टिमेट हो जाएगा ग्रेविमेट्रिकली। और उसके बाद जो हमारा फिल्ट्रेट आया था उस फिल्ट्रेट को जैसा कि हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर इसका वॉल्यूम नियरली 300 ml है, तो हमें इसे इवापोरेट करना है, हीट करना है अंटिल इसका वॉल्यूम 150 ml तक हो जाए। और फिर जब ये 150 ml तक हो जाएगा तो फिर हम इस सॉल्यूशन में से पहले निकल को ग्रेविमेट्रिकली एस्टिमेट करेंगे। अब जैसा कि हम देख सकते हैं इसका वॉल्यूम 200 ml तक आ चुका है, हमें इसे 150 ml तक रिड्यूस करना है, तो थोड़ी देर और हम वेट करेंगे जब तक कि इसका वॉल्यूम 150 ml तक आ जाए। जब ये 150 ml तक रिड्यूस हो गया है इसका वॉल्यूम, अब थोड़ी देर से ठंडा करने के बाद हम इसमें 20 ml कंसंट्रेटेड HNO3 ऐड करेंगे बहुत ही स्लोली। और ये 20 ml कंसंट्रेटेड HNO3 ऐड करने के बाद अब हमें ऐड करना है इसमें 15 ml कंसंट्रेटेड HCl। और दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HCl ऐड करने के बाद अब जैसा कि हम देख सकते हैं इस सॉल्यूशन का कलर थोड़ा डिफरेंट हो गया है पहले से। अब थोड़ी देर इसे इस तरीके से शेक करेंगे। अब हम इसको बंसन बर्नर पे इवापोरेट होने के लिए रख देंगे। तब तक रखेंगे जब तक कि इसका वॉल्यूम 25 ml तक रिड्यूस ना हो जाए। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर हमने दोनों कंसंट्रेट एसिड ऐड कर रखे हैं, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर सेफली इसको हीट करना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी देर में से हटा के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज फ्लेम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये विग्रस हो सकता है यहाँ पर। अब जैसा कि हम इसमें चेंजेस देख सकते हैं कुछ टाइम बाद धीरे धीरे सॉल्यूशन हीट होना बॉईल होना शुरू हो चुका है और सॉल्यूशन का कलर भी अब पहले से थोड़ा सा चेंज हो गया है, ब्राउनिश टाइप का कलर आना शुरू हो गया है इसमें। अब इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है और ऊपर से भी अगर हम देखें तो एक वाइटिश टाइप की लेयर इसके ऊपर आ चुकी है। ये बॉइल ऑफ होना शुरू हो रहा है धीरे धीरे और अब सॉल्यूशन अपना एक नया कलर अटेन कर रहा है यहाँ पर और एक तरीके से धीरे धीरे कलरलेस हो रहा है सॉल्यूशन।
अब जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ देर रखने के बाद अब ये सॉल्यूशन कम्प्लीटली बहुत तेज़ी से इवापोरेट होना शुरू हो गया है, लेकिन इसका जो ये वॉल्यूम है ये हमें अभी 150 ml के नियर दिख रहा है। हमें इसे तब तक इवापोरेट करना है जब तक कि इसका वॉल्यूम 25 ml तक रिड्यूस ना हो जाए, तब तक हम इसका वेट करेंगे 25 ml तक, जब तक ये रिड्यूस नहीं हो जाता। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कुछ देर बाद इसका जो वॉल्यूम है वो 25 ml तक रिड्यूस हो चुका है। अब इसमें हमें 1 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाना है। और कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाने के बाद अब हमें इसे सैंड बाथ के ऊपर इसे रख देना है। कुछ देर के लिए हीट करना है हमें इसे सैंड बाथ पर इसे हमें इस तरीके से कम्प्लीटली अच्छे से यहाँ पर रख देना है। और सैंड बाथ पे रखना इसलिए ज़रूरी है, इस पर सैंड बाथ पे हीट करना, क्योंकि जो हमने इसमें एक टाइम पे थोड़ी देर पहले जब कंसंट्रेटेड HNO3 मिलाया था 20 ml में, तो उस कंसंट्रेटेड HNO3 को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इसे हीट करते हैं सैंड बाथ पे। कुछ देर रखने के बाद जैसे कि हम उसमें देख रहे हैं सैंड बाथ पे हमें इसमें कुछ देर रख दिया है और इसमें से HNO3 कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब हम इसे सैंड बाथ से हटा देंगे। अब सैंड बाथ से हटाने के बाद इसे थोड़ी देर हमें कूल करने के लिए रखना है और उसके बाद इसमें हमें 5 ml कूल करने के बाद 5 ml डाइल्यूट HCl का एडिशन करना है। HCl ऐड करने के बाद अब हमें इसको डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट करना है 150 ml तक। जैसा कि हम देख सकते हैं क्लियरली अब इसका जो कलर था वो भी फेड ऑफ हो चुका है डिस्टिल वाटर को ऐड करने के बाद। सो हमारा अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इस पर अब हम DMG ऐड करेंगे। DMG ऐड करना है एक्सेस में, लेकिन बाय टचिंग द वॉल ऑफ बीकर। DMG ऐड करने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा शेक करेंगे इस तरीके से। अब इसका सॉल्यूशन का जो कलर है वो कुछ ग्रीनिश टाइप का हो गया है। हमने DMG ऐड कर दिया है, अब हमें फाइनली इसमें 50% लिक्विड अमोनिया ऐड करनी है। ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऐड करेंगे पहले और फिर थोड़ा सा एक्सेस में। अब इसमें अमोनिया डालते रहनी है हमें और कम्प्लीटली अब ये रेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है और एक्सेस में हम इसमें अमोनिया ऐड करेंगे। इसमें एक्सेस में अमोनिया ऐड करने के बाद अब हम इसको डाइजेस्ट करने के लिए रख देंगे इस वाटर बाथ में कुछ देर के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स के लिए। थर्टी मिनट डाइजेस्ट करने के बाद ये अब ऊपर से कंप्लीट रेड कलर की लेयर बन गई है और साइड से अगर इसे हम देखें तो ये कुछ ब्लू टाइप का सॉल्यूशन भी है रेड कलर के साथ साथ। अब हम इसको, ये हमारा कंप्लीट डाइजेस्ट हो चुका है, अब इसे हम फिल्टर्ड जो हमने अपनी ग्लास क्रूसिबल रखी है सेंटर्ड वाली, उसे हमने कांस्टेंट कर दिया है उसका वेट अवन में। अब उस क्रूसिबल से हम वैक्यूम पंप की हेल्प से निकल डीएमजी का जो प्रेसिपिटेट होगा उसे फिल्टर करेंगे और फिर उसकी वॉशिंग करेंगे और फाइनली हमें निकल डीएमजी का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ये कंप्लीटली हमारा डाइजेस्ट हो चुका है सॉल्यूशन, अब हम इसे सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में से फिल्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। तक कि ये फिल्टर हो रहा है
हमें ये देखना होगा कि ये जब कंप्लीट फिल्टर हो जाएगा तो उसके बाद हमें इसे फाइनली वॉशिंग करनी होगी। सबसे पहले हम इसे कुछ हॉट वाटर से 50 ml लेके वॉशिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम 20% इथेनॉल से इसकी वॉशिंग करेंगे। जो फाइनली हमें मिलेगा क्रूसिबल के ऊपर प्रेसिपिटेट, वो निकल DMG का प्रेसिपिटेट होगा। जब हमने सॉल्यूशन डाल दिया है तो फाइनली अब हमें इसे हॉट वाटर से वॉशिंग करनी है। अब हमें इसे इथेनॉल से वॉशिंग करनी है, फाइनल वॉशिंग। अब कंप्लीट फिल्ट्रेशन के बाद, वॉशिंग के बाद हमारे पास ये ग्लास क्रूसिबल जो है ये है और इसके अंदर ये निकल DMG का प्रेसिपिटेट है। अब जो हमें निकल DMG का प्रेसिपिटेट मिला था उस प्रेसिपिटेट का हमने वेट ले लिया और उसके बाद जो उसमें हमें फिल्ट्रेट मिला था उस फिल्ट्रेट को हमें इवेपोरेट करना है। जैसा कि हम इसका वॉल्यूम देख सकते हैं, अभी ये नियरली 400 है। इसे हमें तब तक इवेपोरेट करना है जब तक कि इसका वॉल्यूम 25 ml तक रिड्यूस ना हो जाए और उसके बाद हम इसमें जिंक का एस्टिमेशन करेंगे। अब जैसा कि हम देख सकते हैं इसका वॉल्यूम 25 ml तक रिड्यूस हो गया है। उसके बाद इसमें हमें 1 ml कंसेंट्रेटेड H2SO4 मिलाना है और फिर हमें इसे सैंड बाथ के ऊपर थोड़ी देर के लिए हीट करना है। कुछ देर सैंड बाथ पर रखने के बाद अब हम इसे रिमूव कर देंगे सैंड बाथ से और उसके बाद इसमें 5 ml कंसेंट्रेटेड HCl डालेंगे। डालने के बाद अब हम इसका वॉल्यूम 100 ml तक डिस्टिल वाटर से मेकअप करेंगे। इसके बाद हमने ये एक मिथाइल रेड इंडिकेटर प्रिपेयर कर रखा है। इस मिथाइल रेड इंडिकेटर की 2 ड्रॉप हम इसमें डालेंगे। और अब हम सॉल्यूशन को अच्छे से हिला लेंगे इस तरीके से। अब हमने इसमें इतनी सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं तो अब उसके बाद फाइनली इसमें हमें 50% प्रिपेयर्ड अमोनिया सॉल्यूशन डालना है जो कि डाइल्यूटेड फॉर्म में है। अब इसमें हमें एक्सेस में अमोनिया ऐड कर रहे हैं तो इसका जो कलर है वो येलो हो जाएगा और जैसा कि ये येलो हो भी रहा है। अब जब ये येलो हो गया है बढ़िया करके तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2N प्रिपेयर्ड सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन। इसमें हमें 3 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालना है और इसे इस तरीके से शेक कर लेंगे। हमने इसमें 2N सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रखा है तो 5 ml ये हमने इसमें ले लिया है, इसको ऐड करना है इसमें। अब इसमें हम इसे थोड़ी देर बॉईल होने के लिए रख देंगे और फिर उसके बाद हम फर्दर प्रोसेस शुरू करेंगे। इसके बाद अब जैसे कि ये बॉईल हो चुका है अब हम इसमें 10% प्रिपेयर्ड डाइअमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्यूशन डालेंगे 15 ml। मिनट्स के लिए हम इसे वाटर बाथ पे हीट होने के लिए रख देंगे। हम इसको फिल्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लास क्रूसिबल और ये हमारा वैक्यूम पंप। पहले आराम से स्लोली हम ऊपर का जो लिक्विड है उसे हटा लेंगे अच्छे से
और फिर एट लास्ट में हम धीरे धीरे इसकी ड्रॉपलेट देखते रहेंगे यहाँ पर। कंप्लीट फिल्ट्रेशन हो गया है, अब एट लास्ट हमें इसे वॉशिंग करनी है डीएपी सॉल्यूशन से, डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्यूशन जो हमने बना रखा है, इससे हम इसकी वॉशिंग करेंगे। अब हम इसके बाद इसमें अल्कोहल की वॉशिंग करेंगे। अब ये कम्प्लीटली फिल्टर हो चुका है, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं ये आ गया हमारा जिंक अमोनियम फॉस्फेट का प्रिसिपिटेट। अब इसके बाद हमें इस क्रूसिबल को ओवन में रखना है 100 से 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और उसके बाद हम इसका वेट लेंगे और फिर ये हमारा जिंक अमोनियम फॉस्फेट जो है ये इस्टीमेट हो जाएगा। तो यही था, इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने कॉपर का एस्टीमेशन किया, उसके फिल्ट्रेट से हमने निकल का एस्टीमेशन किया, और फिर निकल के फिल्ट्रेट से हमने जिंक का एस्टीमेशन किया, और इस तरीके से हमने 3 कंपोनेंट एस्टीमेशन किया। अब हम एक्नॉलेज करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे उन बच्चों का जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में पूरा सहयोग दिया है अपना। और आप देखेंगे इस वीडियो में जो आपको बता रहे हैं वो अजय मलकानी है, कंप्लीट आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, और बाकी उनके सहयोगी लता कविदयाल, रंजन अधिकारी, सिमरन कराये, तनुजा नेगी, इन लोगों ने अपना पूरा सहयोग दिया है इस वीडियो को बनाने में और इस प्रैक्टिकल को पूरा करने में। सारे बच्चों ने बराबर रूप से आप देखेंगे कि सहयोग किया है एक दूसरे को, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करते रहते हैं और उस प्रैक्टिकल को उन्होंने साक्षात आपके सामने करके दिखाया है। तो इन सभी बच्चों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, एंड थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।